हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं प्रिया फैमिली किचन। आज आप लोगों के लिए बैंगन की एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। बैंगन खाना तो सबको बहुत ही कम पसंद है और हमारे घर पे बैंगन की सब्जी को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बैंगन की एक रेसिपी लाई हूँ। अगर आप बैंगन की सब्जी इस तरह बनाएंगे तो आपके घर पे बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा और इसे सब लोग खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बैंगन लिया है, मैं 3 बैंगन लिया है। इसको मैं गोल शेप में कट कर लूँगी। देखिए मैंने कट कर लिया, इसे ज़्यादा मोटा कट करेंगे ना ज़्यादा पतला कट करेंगे, इसे मीडियम साइज में कट करेंगे हम। देखिए मसाला रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सब्जी मसाला ले रही हूँ। ये मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर लेंगे और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये जो मैंने बैंगन काटा था, इस मसाले को बैंगन में अच्छे तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए मैंने मसाले को बैंगन में अच्छे तरह से लगा ली हूँ और इसको हम तावे पे फ्राई करेंगे। ये खाने बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, आप अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और कमेंट जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये देखिए मैं इसे तवे पे सेक ले रही हूँ। मैं नीचे पहले से ऑयल डाल दे रही हूँ और फिर से इस पर ऑयल डालेंगे चम्मच की सहायता से। चम्मच की हेल्प से इसे पलट लेंगे दोनों साइड पकने के लिए और ऑयल डाल के इसे दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। देखिए मेरे दोनों साइड पक के रेडी हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह हम सब बैंगन को फ्राई करें तो देखिए रेडी है ये हमारा बैंगन के चटपटे मसालेदार सब्जी। या खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जो कभी बैंगन को हाथ नहीं लगाता होगा वह भी इसे मांग कर ज़रूर खाएगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही यमी होता है। इसका लुक देखिए काफ़ी अच्छा है। इसे आप अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करेगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए।